आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, महीनों चला सकते हैं और बहुत ही यूजफुल है। आप चाहे तो इसे पराठे के संग खाएं, चाहे तो आप इसे चाट के संग खाएं, बहुत सी चीज़ों के संग खा सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना इतना ईजी है कि 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं और बिल्कुल ईजी मैथड से। तो सबसे पहले हमने ये ली है इमली, ये 500 ग्राम इमली है बट मैंने इसे कट करके 200 ग्राम ली है, बाकी की मैंने इसे सेफली रख दी है। और अब इस इमली को हम अच्छे से तोड़ लेंगे। ये इस टाइप की इमली मिलती है मार्केट में, आप देख लें और आपको भी मिल जाएगी। और इसमें बीजे वगैरह नहीं होते हैं, शीट्स वगैरह नहीं होती है, लेकिन इमली को हमें एक बार क्लीन ज़रूर करना है। तो हम कैसे करेंगे, गर्म पानी ऊपर से डालेंगे और हाथ वाथ वगैरह नहीं लगाएंगे और ऐसे ही हल्का सा हम उसका ऊपर का एक बार का पानी निकाल कर फेंक देंगे। और इसके बाद हम फ्रेश पानी दोबारा से गर्म डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ भी हमें 250 ग्राम गुड़ लेना है इतनी इमली के लिए। तो इसे भी हम भिगोकर अच्छे से रख देंगे और इसे भी हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये भी अच्छे से फूल जाएगा। और लीजिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो हम वापस से चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारी इमली अच्छे से फूल गई है। वैसे तो इसमें शीट्स वगैरह नहीं होती हैं, ये गुड़ भी हमारा फूल गया है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार मसल कर चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ बीजे वगैरह ना हो, क्योंकि अगर रह जाते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका। तो ये लीजिए इस तरीके से बीजे होते हैं नॉर्मली, और 2 से 3 बीजे तो निकले आते हैं जब इमली को चेक करते हैं। लीजिए हमने अच्छे से चेक कर लिया है, इमली साफ़ हो गई है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पीसेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है इसे, और इसी के साथ ही जो ये हमारा गुड़ हमने भिगोया था, फुलाया था, हमने उसे भी डाल देना है। लीजिए बहुत ही अमेजिंग चटनी बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पसंद की जाती है मेरे घर में तो। और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 4 टेबल स्पून मैं इस पर डाल रही हूँ शुगर। और ये लीजिए अब हम अच्छे से इसको बंद करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है, हमें इसी तरीके का बनाना था और बहुत ही अमेजिंग पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है बड़ा सा, वहाँ पर उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून मैं हींग पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। और इन्हें अच्छे से हम कड़काएंगे और इसे कड़काने में तकरीबन 2 मिनट का समय जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगना है। इसके बाद हम तुरंत से जो हमने ये पेस्ट तैयार किया था वो हम इस पर पलट देंगे। और ये जार में काफ़ी सारा पेस्ट रह गया है तो मैंने 1 कप भर के उसमें पानी लिया है और उसे भी अच्छे से साफ़ करके, मतलब जार में जो लगा हुआ है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा छुड़ा दिया है और वापस से इसमें पलट दिया है। और ये लीजिए आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे चलाएंगे अच्छे से। और ये लीजिए अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। नॉर्मली मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इतने के लिए। और ये देखिए 1 टेबल स्पून ही मैंने मिर्ची पाउडर डाला है और 1 टी स्पून मैंने इसमें डाला है ये आपका भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे। और ये लीजिए अब इसे हम बराबर से चलाएंगे। ये हमें 5 से 10 मिनट का ये प्रोसेस करना है, चलाना है अच्छे से। और बीच में एक बार चाहें तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नमक वगैरह इसका टेस्ट कर सकते हैं। मेरे इसमें तो जो मैंने नमक मिलाया है एकदम परफेक्ट है, लेकिन यदि आप नमक कम खाते हैं तो थोड़ा कम मिलाएँ, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चेक कर लें, देख लें। और लास्ट में हम इस देखिए इसमें डाल रहे हैं ये काली मिर्च का पाउडर, ये थोड़ा सा ही डालना है, 1/2 टीस्पून के तकरीबन ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और ये लीजिए हमारी अमेजिंग चटनी बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में। तो जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इसके बाद आप इसे बॉक्स में भरकर फ्रिज में रख दें और जिस चीज़ के संग चाहें उस चीज़ के संग इसे खा सकते हैं। हर चीज़ के संग जाती है समझ लीजिए, चाहे आलू के पराठे हों, टिक्की हो, चाट हो, गोलगप्पे हो, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें हैं। तो लीजिए बनकर रेडी हो गई है मेरी रेसिपी। मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।